हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 टीयर 1 के हैं, सेट 19 के ये कुछ क्वेश्चंस हैं और इनको हम डिस्कस करेंगे। इनके थ्रू आपको आइडिया लगेगा कि एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीयर 1 और टीयर 2 में। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पॉटिंग एरर का एक क्वेश्चन, और ये है स्पॉटिंग एरर का एक क्वेश्चन। तो एसएससी के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक ग्रामर से संबंधित होते हैं, और यदि आपका बेसिक ग्रामर अच्छा है, वोकेबलरी अच्छा है, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, तो आप 90% तक एसएससी एग्ज़ाम्स में टीयर 1 और टीयर 2 में स्कोर कर सकते हैं। तो इसके बारे में और चीज़ें मैं बताऊँगा आगे इस वीडियो क्लास में। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आई वॉज टेकन विथ सरप्राइज वेन आई सॉ द ब्यूटिफुल ताजमहल। जब मैंने खूबसूरत ताजमहल को देखा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। तो ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन आई सॉ, ठीक है। तो ये तो सही है, इसमें ताजमहल से पहले हम दा लगाएंगे, इसके पहले एक एडजेक्टिव भी लगा हुआ है, तो ये दा का प्रयोग यहाँ पर सही है। देखिए, एक होता है टेकन बाय सरप्राइज और एक होता है टेकन अबैक। टेकन बाय सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित रह जाना, ठीक है, भौचक्का रह जाना, टेकन बाय सरप्राइज। तो उसमें हम टेकन बाय सरप्राइज बोलते हैं, ठीक है। टेकन इन भी एक होता है, टेकन इन का मतलब होता है डिसीव किया जाना किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति को धोखा देना, टेकन इन। तो यहां पर सही वर्ड क्या होगा, यहां पर सही वर्ड होगा आई वॉज टेकन अबैक, ठीक है। आई वॉज टेकन अबैक व्हेन आई सॉ द ब्यूटिफुल ताजमहल। टेकन अबैक मतलब मैं एक आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने ताजमहल को देखा। तो टेकन बाय सरप्राइज हम यहां पर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि टेकन बाय सरप्राइज का मतलब होता है कोई व्यक्ति आपके साथ कोई प्रैंक खेल रहा है, या आप एकदम भौचक्के रह जाते हैं उसकी हरकत से, आप तैयार नहीं है, उसको हम बोलते हैं आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज। टेकन इन का मतलब डिसीव होता है, तो यहां पर सही होगा आई वॉज टेकन अबैक, ठीक है। तो इस सेंटेंस में आपका आंसर क्या होगा, इस सेंटेंस में आपका आंसर होगा ए। सेकेंड स्पॉटिंग का क्वेश्चन देखते हैं। आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड चोरस बिफोर ही रीच टू माई प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग। देखिए, किसी भी सेंटेंस में यदि आप बिफोर या आफ्टर को देखते हैं तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का केस है, ठीक है। बिफोर या आफ्टर आपको यहाँ पर दो सेंटेंसेस के बीच में भी मिल सकता है, जैसे कि ये लगा हुआ है दो सेंटेंसेस के बीच में, यहाँ पर एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, इसके बीच में बिफोर लगा हुआ है। बिफोर और आफ्टर को हम यहाँ पर शुरुआत में भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इससे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सही होता है। तो बिफोर या आफ्टर का प्रयोग हम किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो एक्टिविटी पहले ख़त्म होती है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो एक्टिविटी बाद में ख़त्म होती है उसको हम पास्ट सिंपल टेंस में लिखते हैं। तो आई फिनिश माई हाउस होल्ड चोरस बिफोर आई रीच्ड बिफोर ही रीच्ड टू माई प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग, मतलब उसके मेरे घर पहुंचने से पहले मैं अपना हाउस होल्ड का जो काम था उसको ख़त्म कर चुका था, ठीक है। तो वो बाद में आया, पहले काम ख़त्म हो चुका था। तो जो एक्टिविटी पहले ख़त्म हुई है उसको हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसमें गलती कहाँ पर होगी, इसमें गलती होगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको हेड को इंसर्ट करना होगा, बाकी सारा सही है, क्योंकि इसमें ये वाला जो पार्ट है इसमें हम पास्ट सिंपल टेंस का ही यूज़ करते हैं। तो इसको अलग अलग तरीके से ट्विस्ट करके दिया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको पहले समझना होगा, तब इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और इसका सिंपल ट्रिक ये है कि बिफोर या आफ्टर किसी सेंटेंस में यूज़ हो रहा है तो उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस समझिए और उसी के अकॉर्डिंग उसके रूल अप्लाई करके उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये फिलिप के क्वेश्चन है, बीइंग अ डॉक्टर ही नेवर शर्क वर्क। देखिए, फिलर के क्वेश्चन जो आते हैं एसएससी एग्जाम में तीन तरीके के आते हैं। एक तो वर्ड बेस्ड आते हैं, जैसे कि ये वर्ड बेस्ड फिलर है, एक ग्रामर बेस्ड आता है, और एक फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये वर्ड रिलेटेड क्वेश्चन है, वर्ड रिलेटेड फिलअप है। बीइंग अ डॉक्टर ही नेवर शर्क वर्क, मतलब डॉक्टर होने के नाते वह कभी भी काम से जी नहीं चुराता, काम चोरी नहीं करता। शर्क हम बोलते हैं काम चोरी करने को, शर्क, ठीक है। तो जो व्यक्ति काम से चोरी नहीं करता वो कैसा है, वो ड्यूटीफुल है, वो ऑनेस्ट है, और इसको हम बोलते हैं कंसेंटियस। इसके लिए जो सही वर्ड है वो है कंसेंटियस। कंसेंटियस वर्ड की स्पेलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जाम के लिए।
तो यहां पर सही आंसर होगा कंसेंटियस। कॉन्सस का मतलब क्या है? जागरूक होना, अवेयर होना। कॉन्सेंस का मतलब होता है अंतरात्मा, और कंसेंसस का अर्थ होता है जो आम सहमति होती है, जो एग्रीमेंट होता है लोगों के बीच में, उसको हम बोलते हैं कंसेंसस। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और है कंसेंट, जिसका मतलब होता है सहमति, मान जाना किसी काम के लिए। तो यहां पर आपको क्या चाहिए, यहां पर एक मैं लॉजिक और बताता हूं। जैसे डॉक्टर जो है इसमें नाउन है, तो नाउन को मॉडिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। तो यहां पर आपको एक एडजेक्टिव चाहिए, और कंसेंटियस जो है ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना होता है। यहां पर आपका आंसर होगा सी, कंसेंटियस। एक क्वेश्चन और देखते हैं। द मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड बाय द चेयरमैन। प्रिसाइडेड का मतलब क्या होता है? प्रिसाइडेड ओवर एक फ्रेज होता है, फ्रेजल वर्ब होता है प्रिसाइडेड ओवर। इसका मतलब होता है किसी मीटिंग की अध्यक्षता करना। तो प्रिसाइडेड के बाद यहां पर हम सिंपल सा एक प्रपोजिशन या एडवर्ब लगाएंगे, तो वो होगा ओवर। द मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय द चेयरमैन, मतलब मीटिंग को चेयरमैन के द्वारा लिया गया या प्रिसाइड ओवर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर ये सिनोनिम के कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये रियल क्वेश्चन है, और सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एसएससी एग्जाम में। वैसिलेट का मतलब होता है हेजिटेट करना। वैसिलेट का मतलब होता है हेजिटेट करना, यानी बहुत ज़्यादा फर्म नहीं होना, मेंटली हेजिटेट करना। और इसके लिए सही वर्ड क्या होगा? इसके लिए सही वर्ड होगा इररिजोल्यूट। रिजोल्यूट का मतलब फर्म होता है, तो इररिजोल्यूट मतलब जो जो हेजिटेट हो रहा है। और यहां पर इसके लिए एक वर्ड और मैं बता रहा हूं आपको, डिदर, DITHER। डिदर का मतलब भी हेजिटेट होना होता है, और विदर का मतलब होता है मुरझाना। तो यहां पर इसका सही सिनोनिम होगा वैसिलेट का इररिजोल्यूट होना। आगे बढ़ने से पहले यहां मैं इस ऑफर के बारे में बता देता हूं। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये एक इंटीग्रेटेड टारगेट बैच है। SSC के सारे एग्जाम्स इसमें कवर होंगे, CGL, CPO, CHSL, MTS 2018। 6 मंथ की इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसमें टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3, ये सारा सिलेबस इसमें कवर होगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें कवर होंगे, 2017 के, 2016 के, इंग्लिश और जीके के लिए ये है। और इसकी जो फीस है वो 1699 रुपये है। इसमें केवल 13 सीट इस समय बची हैं, और इसको यदि आप फॉलो करते हैं तो 90% मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 में। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग मुझे कॉल भी कर सकते हैं कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो। लेकिन इसमें लास्ट डेट जो है वो 10 तारीख है, तो आज आप इसमें एडमिशन लें। इसमें 13 सीट बची हैं, और इसमें पूरा टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 का आपका पूरा कोर्स इसमें कवर हम कराएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इनडोमिटेबल। इनडोमिटेबल का मतलब है जिसको डोमिनेट नहीं किया जा सकता, जिसको दबाया नहीं जा सकता, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनडोमिटेबल। तो इसका सही सिनोनिम क्या होगा? अनकॉन्करेबल। अनकॉन्करेबल मतलब जिसको जीता नहीं जा सकता, ठीक है। कन्फ्लिक्टिंग मतलब कन्फ्लिक्ट जिसमें हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। फॉल्सिफिकेशन मतलब झूठ। इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक कर। अनकॉन्करेबल जिसको जीता नहीं जा सकता, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं एक्सटेनुएट। एक्सटेनुएट का क्या मतलब है? देखिए, जो SSC एग्जाम्स में जो आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं, टीयर 2 में 200 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें 25 क्वेश्चन एंटोनिम और सिनोनिम के रहते हैं। तो एंटोनिम सिनोनिम को आप एलिमिनेट करके भी सही कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप रिवीजन से भी याद कर सकते हैं, इतना कोई कठिन काम नहीं है। रिवीजन यदि आप करते हैं तो ये सारे वर्ड्स आप याद कर सकते हैं। एक्सटेनुएट का मतलब होता है किसी चीज़ का कमज़ोर हो जाना, ठीक है, लेसन हो जाना, मिटिगेट हो जाना, घट जाना। तो स्ट्रेंथन जो होगा इसका एंटोनिम होगा। इनफीबल का अर्थ क्या है? कमज़ोर होना। अबेट का मतलब भी कम हो जाना, लेसन हो जाना। एक्विट मतलब छोड़ देना किसी व्यक्ति को। तो स्ट्रेंथन यहाँ पर इसका सही आंसर एंटोनिम होगा। एक वर्ड और देखते हैं हम, फेकंड। ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। फेकंड का अर्थ होता है फर्टाइल या प्रोडक्टिव, जो जो काफ़ी उपजाऊ है, ठीक है, ब्रेन के लिए या जमीन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फेकंड का सिनोनिम तो प्रोलिफिक हो जाएगा, ठीक है। प्रोलिफिक का मतलब भी प्रोडक्टिव ही होता है। स्टराइल का मतलब है जो बंजर है, स्टराइल, जो प्रोडक्टिव नहीं है। तो फेकंड का एंटोनिम होगा यहाँ पर स्टराइल। नेसेसिटेट मतलब किसी चीज़ को ज़रूरी करना, और टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल।
तो फेकंड का एंटोनिम होगा स्टराइल और सिनोनिम होगा प्रोलिफिक। नेक्स्ट देखते हैं, ये है इडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन, द थिन एंड ऑफ द वेज। थिन एंड ऑफ द वेज, ये कई बार रिपीट हुआ है एसएससी एग्जाम में, थिन एंड ऑफ द वेज। इसका मतलब होता है कोई छोटी सी चीज़ का शुरुआत होना और उसका फिर बाद में उसके जो रिजल्ट आते हैं वो काफ़ी खतरनाक होते हैं। एन एक्शन और प्रोसीजर ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस दैट इज लाइकली टू लीड टू मोर सीरियस डेवलपमेंट। एक छोटी चीज, एक चिंगारी का शुरू होना और उसको बड़े रूप में बदल जाना, उसको हम बोलते हैं द थिन एंड ऑफ द वेज। तो बी यहाँ पर सही आंसर होगा, स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, ये भी CHSL एग्जाम में दो तीन बार मैंने इसको देखा है, इस एडियम को। टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट का मतलब होता है चैलेंज को स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट द चैलेंज। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ये क्वेश्चन है, द रीजन ऑफ हर आउटबर्स्ट इन द पार्टी इज येट अननोन। आउटबर्स्ट होता है तेजी से हंसना। ठीक है, इसमें रीजन ऑफ को आपको सही करना है, इसमें सही रिप्लेसमेंट होगा रीजन फॉर। कारण जो होता है वो किसी चीज के लिए होता है, रीजन के बाद हम फॉर लगाते हैं, रीजन फॉर। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ए इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, आई लेफ्ट माई जॉब बिकॉज आई डिड नॉट अग्री टू द कंपनीज अप्राइजल पॉलिसी। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि मैंने वो जॉब छोड़ दिया क्योंकि मैंने कंपनी की जो अप्राइजल पॉलिसी थी, जो वैल्यूएशन पॉलिसी थी, उसको अप्रूव नहीं किया, उसको अच्छा, मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो अप्रूव करने के सेंस में अग्री के बाद हम लगाते हैं अग्री विद। अग्री ऑन का मतलब होता है किसी व्यक्ति का किसी के साथ अग्री होना, किसी चीज़ पर, किसी पॉइंट पर अग्री होना। ठीक है, अग्री ऑन और अग्री अबाउट एक ही हैं, एक अग्री टू भी होता है जो कि प्रपोजल के लिए होता है। अग्री टू मतलब प्रपोजल, अग्री विथ समवन और अग्री ऑन या अग्री अबाउट समथिंग विथ समबडी। ठीक है, स्पीकिंग विद अ स्टैमर और लिस्प, ये भी एक फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। स्टैमर क्या होता है, स्टैमर का मतलब होता है हकलाना, स्टैमर, और लिस्पिंग का मतलब होता है तुतलाना। तो स्पीकिंग विद स्टैमर और लिस्पिंग मतलब तुतलाना और हकलाना, दोनों चीज़ें होना, उसको हम बोलते हैं स्टटरिंग। स्टटरिंग उसके लिए वर्ड है। ठीक है, मेलिलोक्वेंट मतलब मीठी आवाज में बात करना, डेंटिलोक्वेंट मतलब दांतों के थ्रू बात करना, और फैटिलोक्वेंट मतलब भविष्य के बारे में बात करना, ये हैं इनके मीनिंग सारे। तो स्टटरिंग इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, काम करने की अत्यधिक इच्छा। तो उसके लिए ये वर्ड, ये मैं पहले भी रिपीट करा चुका हूँ, इसका आंसर होगा इर्गोमेनिया। एक होता है फोबिया जिसका मतलब होता है डर, और एक होता है मेनिया जिसका अर्थ होता है पागलपन। ठीक है, तो इर्गोमेनिया यहाँ पर सही वर्ड होगा, एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, इर्गोमेनिया। आइडोलोमेनिया मतलब मूर्तियों के लिए पागलपन, इस्लोमेनिया आइलैंड्स के लिए पागलपन, इथनोमेनिया मतलब आपका जो कल्चर है, एथनिक कल्चर, उसके लिए पागलपन होना। तो इर्गोमेनिया ये काफ़ी बार पूछा गया है, इर्गोमेनिया, एक्सेसिव डिजायर टू वर्क। ठीक है, यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, पर्टिनेसियस जो किसी ओपिनियन को मानता है, पर्टिनेसियस। डिमार्केशन सीमा, उनका सीमांकन करना। टेम्परामेंट मतलब उसका एटीट्यूड क्या है। तो सरेप्टिटियस, SURREPTITIOUS होता है ये, सरेप्टिटियस की स्पेलिंग गलत है इसमें। सरेप्टिटियस का मतलब होता है चोरी छुपे करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ट्रेचरी, TREACHERY सही है, REFERN होता है इसमें, REFERN। रेफरेंडम की स्पेलिंग गलत है, सप्रेशन सही है, रिजेंबलेंस सही है, रेफरेंडम इसमें गलत है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, इस तरह के वीडियो क्लासेस और भी मैं अपलोड करूंगा इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। तो यदि इस चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक और शेयर करें। और यदि मेरा आप टारगेट बैच, इंटीग्रेटेड टारगेट बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं, 90% तक आप स्कोर करना चाहते हैं SSC एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, इसको आप अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें Tier 1, Tier 2 और Tier 3 तीनों का ही मैं स्टडी इसमें आपको करवाऊंगा। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही,
अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।